अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। सो बच्चों, आज की वीडियो में फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर 6 यानी कि फ्लूइड स्टैटिक्स के हम वर्ड एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। वन बाय वन सॉल्व करते हैं, उनको समझते हैं। वर्ड एग्जांपल 6.1, अ हाइड्रोलिक सिस्टम। एक हाइड्रोलिक सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ टू कनेक्टिंग सिलेंडर्स। उसमें दो सिलेंडर्स हैं, एक सिलेंडर ए है और एक सिलेंडर बी है, ठीक है। सिलेंडर ए हैज़ अ पिस्टन विद रेडियस। अच्छा, ए वाले का जो पिस्टन है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और जो बी वाला है, सिलेंडर बी है, उसके पिस्टन का रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि डबल है। अब फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स अप्लाई होती है 200 न्यूटन सिलेंडर ए पे, तो बताइए कि कितनी फोर्स एग्जर्ट होगी सिलेंडर बी पर, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको देखते हुए सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहली बात यह है कि हमें रेडियस पता है दोनों सिलेंडर्स के, तो एक कर लेते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर। कौन सा वाला सिलेंडर है? पहला वाला ए, ठीक है। इसको कोई नाम देते हैं जो कि याद रखना हमारे लिए आसान हो, तो हम इसको नाम दे देंगे आर ए का, क्योंकि ए वाले का सिलेंडर है, ए वाले सिलेंडर का रेडियस है। ये बराबर है 5 सेंटीमीटर के, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कराएंगे 100 से डिवाइड कराएंगे, तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर्स। इसी तरीके से रेडियस ऑफ सिलेंडर बी हमें गिवन है, उसको हम नाम दे देंगे आर बी का, और वो हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 100, ताकि सेंटीमीटर से मीटर में आ जाए, तो हो जाएगा 0.1 मीटर के बराबर, ठीक है। सिलेंडर ए पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स एट सिलेंडर ए पर, ठीक है, तो उसको नाम दे देते हैं एफ ए का, याद रखना आसान हो जाएगा, वो है बराबर 200 न्यूटन के। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द फोर्स एट सिलेंडर बी, जिसे हम नाम दे देंगे एफ बी का, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। अब सारी बात यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर ना अप्लाई हो रहा है पास्कल्स प्रिंसिपल। यहाँ पर जो भी प्रेशर अप्लाई होगा वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा यहाँ पर। तो अब अगर पास्कल्स प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें प्रेशर की डेफिनेशन बताओ। तो पहले बता दूँ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स प्रिंसिपल, अगर हम पास्कल्स लॉ या पास्कल्स प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो उस लॉ के मुताबिक जो प्रेशर होगा एट पॉइंट ए, वो बराबर होगा प्रेशर एट पॉइंट बी, ठीक है। अगर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पता है प्रेशर की डेफिनेशन के मुताबिक प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। देयरफॉर अब हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा फार्मूला कि जो फोर्स है पॉइंट ए पर डिवाइडेड बाय फिर एरिया की जगह पे एरिया आ जाएगा पॉइंट ए का, ठीक है। ये बराबर होना चाहिए फोर्स एट पॉइंट बी, और एरिया होना चाहिए पॉइंट बी का, ठीक है। अब एरिया का क्या फार्मूला होता है, बात यहाँ पर यह है कि एरिया जो है वो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो एरिया होता है इस तरफ ऊपर की तरफ ऐसे करके, ये सर्किल की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो फार्मूला सर्किल के लिए इस्तेमाल होता है ना, पाई आर स्क्वायर, वही फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो हमें पता है एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। देयरफॉर अब जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा एफ ए डिवाइड बाय पाई आर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, बराबर होना चाहिए फोर्स एट पॉइंट बी, ठीक है, जो फोर्स लग रही है पॉइंट बी के ऊपर, डिवाइड बाय पाई रेडियस एट पॉइंट बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। हमें बेसिकली एफ बी कैलकुलेट करना है, तो एफ बी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एफ बी को अलग करेंगे, तो फार्मूला बनेगा एफ ए डिवाइड बाय आर ए का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आर बी का स्क्वायर, उधर जाके ये हो जाएगा आर बी का स्क्वायर, ठीक है जी। वैल्यूज पुट करते हैं ताकि फोर्स आ जाए एट पॉइंट बी की, तो एफ ए ए के ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स जो है वो 200 थी, डिवाइड बाय आर ए का स्क्वायर, इसका रेडियस 0.05 था, मीटर में कन्वर्ट किया था, और इसका 0.1 था, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का स्क्वायर, और फिर इसी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे 0.05 के स्क्वायर से, तो ये जो आंसर आएगा एफ बी का, ये बराबर आ जाएगा 800 न्यूटन के, ठीक है जी। तो ये बात साबित हुई कि तकरीबन जो फोर्स होगी वो 4 गुना लगेगी, जितनी फोर्स हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं 200, तो वहाँ पर फोर्स 4 गुना हो जाएगी, जो कि बराबर है 800 न्यूटन के बराबर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्ड एग्जांपल 6.2, ठीक है जी। व्हेन अ क्राउन ऑफ मास,
ठीक है, एक क्राउन है, एक ताज है जिसका मास गिवन है 14.7 किलोग्राम के बराबर, और उसको पानी के अंदर डुबोया गया, सबमर्ज किया गया। एन एक्यूरेट स्केल, और जो एक एक्यूरेट स्केल था, कोई तराजू था, उसने उसको मेजर करा सिर्फ 13.4 किलोग्राम के बराबर। तो अब सवाल यह है कि इज द क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, क्या क्राउन जो है वो गोल्ड का बना है या नहीं बना हुआ। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा ये भी बाद में समझाता हूँ, लेकिन पहले इसका डेटा बनाते हैं कि जो चीज़ हमें गिवन है वो क्या है। सबसे पहली बात ये कि हमें जो है उसका वेट गिवन है एयर के अंदर, वेट इन एयर, ठीक है, इसको कर देते हैं बराबर डब्ल्यू ए के। ठीक है, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 14.7 किलोग्राम, और जब हमने उसको सबमर्ज किया वाटर में, वेट इन वाटर, वाटर के अंदर उसका कितना वेट आ रहा है, उसको डब्ल्यू के साथ डब्ल्यू लिख देते हैं ताकि याद रहे कि वाटर वाला वेट है, यानी कि मास है बेसिकली, तो एम से भी शो कर सकते हैं। मैंने डब्ल्यू इस वजह से लिखा ताकि आपको ये बात याद रहे कि उन्होंने इसको वेट बोला है। तो क्या वैल्यू बनेगी, ये हो जाएगी हमारे पास 13.4 किलोग्राम। अगर आपने कंफ्यूज नहीं होना तो मैं इसको एम ही कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। तो हमें दो जगह का मास गिवन था, एक मास था एयर का और दूसरा जो मास था, ये वेट मास के फॉर्म में कह रहे हैं। ठीक है जी, अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो क्राउन है वो गोल्ड का बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो याद रखिए, उसके लिए हमें पानी की स्पेसिफ़िक ग्रेविटी मालूम करनी पड़ेगी। अगर पानी की स्पेसिफ़िक ग्रेविटी हम मालूम कर लेंगे तो उससे जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हम जो है वो स्पेसिफ़िक ग्रेविटी मालूम करेंगे। ठीक है, ये हम मालूम करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब स्पेसिफ़िक ग्रेविटी का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आप मालूम करना चाहते हैं किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफ़िक ग्रेविटी, तो उसकी सिंपल सी लॉजिक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उस ऑब्जेक्ट का वेट देखना है जो कि एयर के अंदर होता है। तो वेट इन एयर, एयर के अंदर उसका कितना वेट है, और उसको डिवाइड करना है लॉस ऑफ वेट से, कि वेट के अंदर कितना डिफरेंस आ गया जब हमने उसको किसी फ्लूइड के अंदर, वाटर के अंदर हमने उसको डिप किया है। ठीक है जी, तो अभी क्या करेंगे, जैसे ही हमें मालूम करनी है स्पेसिफ़िक ग्रेविटी, तो उसके लिए हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं। ऊपर तो हम लिखेंगे वेट जो कि एयर के अंदर था, एक्चुअली वो मास ही था। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड करा देंगे किससे, लॉस ऑफ वेट से। अच्छा, कौन सा वाला लॉस ऑफ वेट, यानी कि इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस कितना है। तो मैं लिख देता हूँ, वेट एयर में कितना था माइनस वेट वाटर में कितना है, एयर में कितना था माइनस वाटर में कितना है, दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, अब वेट की डेफिनेशन के मुताबिक, अगर मैं वेट की डेफिनेशन इस्तेमाल करूँ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेट, अगर हम वेट की डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो W बराबर होता है एम जी के। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, ऊपर इक्वेशन वन में हम यही काम करेंगे। इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो ऊपर होना चाहिए मास जो कि एयर में होगा मल्टीप्लाई बाय जी, और यहाँ पर होगा मास एयर में मल्टीप्लाई बाय जी माइनस मास जो वाटर में है मल्टीप्लाई बाय जी। अच्छा जी, जी कॉमन आ जाएगा नीचे से, तो ये हो जाएगा एम ए डिवाइडेड बाय एम ए माइनस एम डब्ल्यू, और ऊपर तो जी लिखा हुआ था, यहाँ से हमने जी को कॉमन ले लिया, ये दोनों वैल्यूज़ तो हो गई कैंसिल। अब जो हमारे पास फार्मूला बचा है स्पेसिफ़िक ग्रेविटी का, वो आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, ऊपर आ रहा है मास इन एयर डिवाइड बाय मास इन एयर और मास इन वाटर। एयर के अंदर मास कितना था 14.7 के बराबर डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर आ जाएगा 14.7 माइनस 13.4, 14.7 डिवाइडेड बाय, पहले इसको माइनस कर देते हैं, 14.7 माइनस 13.4 इट इज़ इक्वल टू 1.3। सो 14.7 डिवाइडेड बाय 1.3 इट इज़ इक्वल टू 11.3। ठीक है, अब जिस भी सब्सटेंस की बात हो रही है इसकी स्पेसिफ़िक ग्रेविटी जो है वो आ रही है 11.3 के। बट एक बात आप याद रखिए, जो स्पेसिफ़िक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफ़िक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड तकरीबन जो है वो 19.3 कर लो, या ऐसा समझ लो 19 गुना जो है ना पानी से ज़्यादा भारी होता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफ़िक ग्रेविटी जो है वो 19.3 से कम है। सिंस जो आंसर आया स्पेसिफ़िक ग्रेविटी का
वो कम आया है 19.3 से. इसका मतलब देयरफॉर द सब्सटेंस या द क्राउन इज नॉट मेड अप ऑफ गोल्ड. ठीक है, गोल्ड का तो नहीं बना हुआ, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन तो हमसे ही पूछा गया था कि क्राउन गोल्ड का बना ही नहीं बना. अच्छा, तो 11, एक बात चलो देख लेते हैं कि 11.3 एक्चुअली किसकी वैल्यू है. तो ये लेड की वैल्यू के बहुत ही ज़्यादा करीब है. तो हो सकता है कि वो जो क्राउन है वो लेड का बना हो, पर वो गोल्ड का तो हरगिज़ नहीं बना होगा. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वॉल्यूम वी, अच्छा ये है वर्क एग्जांपल 6.3 लिखा हुआ है. व्हाट वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ हीलियम, हीलियम का क्या वॉल्यूम होगा जिसको वी से इन्होंने जाहिर किया है. और वो बलून नीडेड इफ़ द बलून इज़ लिफ्ट इज़ टू लिफ्ट, वो लिफ्ट करना चाहता है एक लोड को, और वो जो लोड है वो बराबर है 185 किलोग्राम के. ठीक है जी, हमें मालूम करना है कि कितना अंदर वॉल्यूम होना चाहिए हीलियम का अगर वो इतना लोड लिफ्ट करना चाह रहा है 185 किलोग्राम के बराबर. ठीक है जी, बना लेते हैं डेटा, फिर सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. अब सबसे पहली बात ये है कि हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें इसका मास गिवन है. तो हम कह सकते हैं मास ऑफ लोड, ठीक है, उसका मास कितना है, तो उसको हम शो कर देते हैं कैपिटल एम से, और वो बराबर है 185 किलोग्राम के. और ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ हीलियम, हीलियम का वॉल्यूम पूछ रहे हैं, जिसको हम कैपिटल वी से शो कर देते हैं. ठीक है, कैपिटल वी से शो करेंगे. और हाँ, अगर ये क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आता है तो आपको दो डेंसिटीज़ जो है वो गिवन होनी चाहिए. ठीक है, और वो गिवन होंगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले तो आपको डेंसिटी गिवन होनी चाहिए एयर की, और एयर की तो खैर आप याद भी रख सकते हैं, एयर की डेंसिटी होती है बराबर 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर. और बात क्योंकि हीलियम की हो रही है तो आपको हीलियम की डेंसिटी भी गिवन हो सकती है, मतलब होगी ही लाजमी, और वो है एयर से तो कमी होती है 0.179 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ईजिली. ठीक है जी, अब गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन ये है कि ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसे हम अप थ्रस्ट कहते हैं, जो वेट है वो डाउनवर्ड जा रहा है. ठीक है, लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि जो अप थ्रस्ट है, जो एयर है जो कि बॉयंसी फोर्स अप्लाई कर रही है, अप थ्रस्ट अप्लाई कर रही है, वो दो चीज़ों को लिफ्ट कर रही है. एक तो अंदर की हीलियम को जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करने का काम करेगी, और दूसरा इस लोड को लिफ्ट करने का काम करेगी. तो मैं कह सकता हूँ कि जो अप थ्रस्ट फोर्स अप्लाई होगी, जिसे हमने फिगर के अंदर एफ पी से शो करा है, वो दो चीज़ों को लिफ्ट करेगी. एक तो वो लिफ्ट करेगी हमें हीलियम को. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आना चाहिए वेट ऑफ हीलियम, क्योंकि वो हीलियम को लिफ्ट करेगी. और वो किसको लिफ्ट करेगी, और वो लिफ्ट करेगी हमारे इस लोड को, जिसको यहाँ पे हमने W से शो किया हुआ है. ठीक है, दो चीज़ों को लिफ्ट करेगी. अच्छा जी, अब यहाँ पर तो FP जो हम मालूम करना चाह रहे हैं, आपको पता है कि जो बोयेंसी फोर्स है या थ्रस्ट है उसका फार्मूला होता है रॉ वी जी. ठीक है, एक तो फार्मूला ये हो गया, और क्योंकि एयर अप्लाई कर रही है तो यहाँ पे मैं एयर लिख देता हूँ, क्योंकि डेंसिटी को हमने एयर से शो किया था. तो ये हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए डेंसिटी ऑफ एयर, और साथ में आ जाएगा एयर का वॉल्यूम कितना है, और फिर साथ में वैल्यू ऑफ जी आ जाएगी इज इक्वल टू, ये वाला लिख रहा हूँ इक्वेशन वन को दोबारा से ना, इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट. ठीक है, अच्छा वेट का क्या फार्मूला होता है, वेट का फार्मूला बराबर होता है एम जी के, वेट ऑफ हीलियम, और जो लोड है वो भी बेसिकली एम जी के ही बराबर होगा. तो उसको मैं लेकिन हमने कैपिटल एम कहा था तो मैंने कैपिटल एम जी लिख दिया. अंदर जो हीलियम भरी हुई है उसका मास स्मॉल एम है, और इसका मास जो है वो कैपिटल एम है. तो यहाँ से तो जी कॉमन आ जाएगा. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊँ, यहाँ पर हम ना मास को रिप्लेस कराएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता हीलियम का मास कितना है. लेकिन हाँ, हमें ये तो पता है ना कि डेंसिटी डेफिनेशन के मुताबिक मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और अगर मास निकालना है तो वो बराबर हो सकता है रॉ मल्टीप्लाई बाय वी के. इस फॉर्मूले को याद रखते हुए इधर तो लिखा हुआ है रॉ ऑफ एयर वी जी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख दूंगा डेंसिटी, मास की जगह पर डेंसिटी आएगी हीलियम की, और फिर साथ में आ जाएगा वॉल्यूम हीलियम का जो भी है, और जी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का एम जी पहले से लिखा हुआ है. ठीक है जी, अब एक्चुअली हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर वॉल्यूम, ये लिखा हुआ वॉल्यूम ऑफ हीलियम, हमें हीलियम का वॉल्यूम जो है वो एक्चुअली फाइंड करना है. इसी को हमें रीअरेंज करना पड़ेगा. ये हो गया हमारे पास एयर की डेंसिटी वॉल्यूम जी माइनस का रॉ एच ई,
वी और साथ में आ गया जी और यहाँ पे लिखा हुआ है एम जी। ठीक है कॉमन ले लो क्योंकि वी भी एक्चुअली कॉमन आ रहा है और जी भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम और कॉमन आ जाएगा वॉल्यूम और जी कॉमन आएगा यहाँ पे लिखा हुआ है एम जी। ठीक है जी से जी हो गया कैंसिल, तो एक्चुअली अब सिर्फ क्या अलग करना है आपने, आपने वी की वैल्यू को अलग करना है जो कि बराबर आ जाएगा एम ओवर डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम। ठीक है मास कितना था जो हमें लिफ्ट करना है, वो है 185 केजी के बराबर और डेंसिटीज का डिफरेंस एयर की है 1.29 माइनस 0.179। तो कंप्लीट सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा बराबर 166.5 और वॉल्यूम की बात हो रही है तो आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में। इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर होगा 166.5 मीटर क्यूब के बराबर। इसका मतलब इतना हीलियम जो है गैस हमें फिल करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि वो 185 किलोग्राम का लोड लिफ्ट कर सके। ठीक है जी नेक्स्ट वर्क एग्जांपल 6.4 अ सॉलिड स्क्वायर पाइन वुड राफ्ट। ठीक है एक सॉलिड है स्क्वायर पाइन है वुड राफ्ट है, रिवर राफ्टिंग करते हैं ना दरिया के अंदर जो है वो राफ्टिंग करते हैं जगह दूसरी जगह जाते हैं, तो पाइन वुड से बना हुआ जो है ना स्क्वायर भी है सॉलिड भी है वो राफ्ट है और उसका जो है दिया हुआ है कि 4.5 मीटर है ऑन अ साइड एंड ए 0.35 मीटर थिक। ठीक है यानी कि उसकी थिकनेस गिवन है और उसकी साइड गिवन है कि साइड कितनी है उसकी लेंथ कह लेते हैं 4.5 मीटर। डिटरमाइन करना है वेदर द राफ्ट फ्लोट्स इन वाटर, क्या वो पानी में फ्लोट करेगी और अगर करेगी इफ सो हाउ मच ऑफ द राफ्ट इज़ बीनीथ द सरफेस ऑफ डिस्टेंस एच। ठीक है कितनी जो है वो हाइट जो है वो बीनीथ होगी सरफेस के यानी कि पानी से नीचे की तरफ होगी ये हमें मालूम करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और थोड़ा सा पढ़ के आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इसका ताल्लुक किससे है, बोयन फोर्स से ही है। ठीक है जी तो अभी हमें क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहले तो हमें गिवन है कि लेंथ कितनी है। ठीक है लेंथ एल से शो कर देते हैं और ये है 4.5 मीटर। ठीक है और थिकनेस गिवन थी, थिकनेस है थिकनेस को डी से शो कर देते हैं, ये बराबर है 0.35 मीटर्स के। ठीक है तो सबसे पहले तो हम मालूम कर ही लेंगे कि फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा, मेन चीज़ ये है या चलो पहले क्वेश्चन में लिख भी देता हूँ, ए के अंदर मालूम करना है द राफ्ट विल फ्लोट और नॉट, एक तो हमें इसका आंसर चाहिए और दूसरा अगर वो फ्लोट करेगा तो बात यह है कि हमें हाइट मालूम करनी है, डिस्टेंस मालूम करना है, हाइट कह देते हैं हाइट बीनीथ सरफेस कितनी होगी। ठीक है तो एच से ही उसको जाहिर करना है। अब मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि यहाँ पर सारा काम जो है वो बोयन फोर्स का है। ठीक है जो बोयन फोर्स है उससे सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है और बोयन फोर्स के लिए पहले एक काम करते हैं स्टेप नंबर वन में हम जो है वो राफ्ट का वेट मालूम कर लेते हैं कि वेट ऑफ राफ्ट कितनी है। ठीक है तो वेट का फार्मूला क्या होता है, वेट का फार्मूला आपको पता है बराबर होता है डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी के बराबर। ठीक है अच्छा वेट हमने राफ्ट का लिया है तो मैं इधर आर लिख देता हूँ इन शॉर्ट फॉर्म और मास और वैल्यू ऑफ जी लिखी हुई है। अच्छा जी अब अगर मास ना मालूम हो तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें डेंसिटी की डेफिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के। तो हम चाहें तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, हम क्या करेंगे इसको हम बना लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा रॉ, यहाँ पर आ जाएगा वी और साथ में आ जाएगा जी। अगर मैं वेट कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि राफ्ट का जो है वेट कितना है। ठीक है जी अब सबसे पहली बात यह कि डेंसिटी ऑफ वुड जो है वो लाजमी तौर पर गिवन होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर डेटा के अंदर आपको गिवन होगी, जो डेंसिटी है वुड की जो कि राफ्ट की डेंसिटी कह देता हूँ वो एक्चुअली गिवन होना ज़रूरी है और वो होती है 550 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है डेंसिटी तो आपको गिवन होगी होगी, इसको इक्वेशन वन करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है हमें पता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है तो अगर एक साइड की लंबाई 4.5 है तो एरिया हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर और जो थिकनेस है जिसको हम H के बजाय हमने यहाँ पे D से शो करा, एक ही बात है हम यहाँ पे फॉर्मूले में D लिख देते हैं, ये आ गया D और D कितना है, D बराबर है 0.35 के। तो
मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4.5 का करते हैं स्क्वायर और मल्टीप्लाई कराते हैं 0.35 से, 7.08 आ रहा है, जिसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 7.1 के बराबर, तो वॉल्यूम आ जाएगा 7.1 मीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी पता है, तो सबसे पहले हम लोग वेट मालूम कर लेते हैं कि राफ्ट का वेट कितना है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन में वैल्यूज पुट करेंगे तो वेट ऑफ राफ्ट आ जाएगा, डेंसिटी है 550 और अभी अभी हम लोग निकाला 7.1 वॉल्यूम, और वैल्यू ऑफ जी आपको पता है 9.8 होती है। 550 इंटू 7.1 इंटू 9.8, ठीक है, ये आ गया हमारे पास उसका वेट, और ये है बराबर 38269 न्यूटन के बराबर। ठीक है, वेट है और वेट का यूनिट आपको पता है न्यूटन के बराबर होता है, तो ये तो उसका वेट आ गया। ठीक है जी, अब क्या है, बोयेंसी निकालनी है, जो पानी है उसकी बोयेंट फोर्स निकालनी है नेक्स्ट स्टेप में, तो स्टेप नंबर टू कर देते हैं। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे बोयेंट फोर्स या अप थ्रस्ट फोर्स कितनी होगी, उसका तो फार्मूला बड़ा आसान सा है ना, एफ पी से शो करते हैं, और फार्मूला क्या है, रॉ वी जी के बराबर, और ये सारी की सारी बात जो है वो पानी की हो रही है। पानी की डेंसिटी तो याद रखी जाती है, आमतौर पे गिवन भी हो सकती है, वॉल्यूम वही वॉल्यूम है 7.1, क्योंकि जितना वो राफ्ट का वॉल्यूम है ना वही डिस्प्लेस करेगा इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर को, तो 7.1 आना चाहिए और वैल्यू ऑफ जी की जगह पर आ जाएगा 9.8। ठीक है जी, सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 7.1 और मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये आंसर बराबर आ गया 69580, ये आ गया एफ बी न्यूटन में। ठीक है जी, अब हमारा पहला सवाल क्या था, हमारा पहला सवाल ये था कि क्या ये जो राफ्ट है वो फ्लोट करेगी या नहीं करेगी। तो आप देखें जो मैक्सिमम पॉसिबल बोयेंट फोर्स है वो कितनी है, वो बराबर है 38269 न्यूटन के। ठीक है, जबकि जो कि राफ्ट का वेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो राफ्ट है वो थोड़ी बहुत पानी के अंदर डूबी भी होगी किसी ना किसी हाइट तक। ठीक है, क्योंकि आप देख लो यहाँ पर ये 69580 और ये 38269, तो जाहिर सी बात है बोयेंट फोर्स ज़्यादा है वेट कम है। इसको लिख देते हैं कि यहाँ पर जो हमारी बोयेंट फोर्स है वो ग्रेटर देन है वेट ऑफ राफ्ट के, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं राफ्ट विल फ्लोट। ठीक है, कुछ अमाउंट उसका पानी में होगा, कुछ बाहर की तरफ होगा, बस यही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितना है, और वही हमारा बी पार्ट था। अब इस केस के अंदर बोयेंट फोर्स है कितनी, वाटर की जो बोयेंट फोर्स है वो है कितनी, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और बोयेंट फोर्स का फॉर्मूला तो आपको मैंने बताया पहले, फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम रहेगा, फार्मूले के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो बोयेंट फोर्स है एफ बी से अगर शो कर देते हैं उसको दोबारा से, तो फार्मूला होता है रॉ वी जी के बराबर। लेकिन अब जो वॉल्यूम है वो मुकम्मल वो वाला वॉल्यूम नहीं है, बल्कि हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम कि अब कितनी हाइट जो है वो बोयेंट फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है ना, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो कितने हैं यहाँ पर जो राफ्ट को बैलेंस करेगी, जो कि एक्चुअली राफ्ट को बैलेंस करने का काम कर रही है। तो रॉ कितना, रॉ की वैल्यू आ गई हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 1000 होती है। ठीक है, वॉल्यूम के लिए मैंने क्या फार्मूला निकाला था, दोबारा से देखो, वॉल्यूम के लिए मैंने लिखा था एरिया इनटू डी, लेकिन अब कितनी हाइट बाहर की तरफ है वो हमें लिखना पड़ेगा, तो ये होगा एरिया इनटू हाइट। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी तो आपको पता है किसके बराबर होती है, बराबर होती है 9.8 के, और जो राफ्ट का वेट है वो कितना है, वो है बराबर 38269 के। ठीक है, तो ये तो 1000 ही रहा, मल्टीप्लाई बाय एरिया का स्क्वायर, एरिया किस चीज़ का स्क्वायर था, 4.5 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय एच तो हमें मालूम करना है, और ये आ गया 9.8 38269। ठीक है जी, सब मल्टीप्लाई करते हैं, एच को अलग कर देते हैं, तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे वैल्यू, सबसे पहले आ गया 1000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 का करना पड़ेगा स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9.8 से, 38269 डिवाइड बाय 198450, तो ये आ गया हमारे पास 38269 डिवाइडेड बाय 198450, ये आंसर आ गया हमारे पास 0.192।
मीटर्स के बराबर, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि तकरीबन जो है वो इतनी हाइट ऑफ राफ्ट जो होगी वो बीनीथ द वाटर होगी इस केस के अंदर, अगर इतनी डेंसिटी वगैरह है तो, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर एक फिगर ही बनी हुई है, लेकिन मैं और बेहतर फिगर बना के समझाऊंगा। द बेस ऑफ एन इंसेक्ट्स लेग, एक कीड़ा है, एक इंसेक्ट है, उसकी जो लेग है उसको अप्रॉक्सीमेटली हम कंसिडर कर रहे हैं स्फेरिकल इन शेप, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल होती है इन शेप, विद अ रेडियस ऑफ अबाउट, और उसका जो रेडियस है वो जो स्फेरिकल लेग है 2.1 × 10⁻⁵ मीटर के बराबर है, ठीक है जी। द 3.2 × −6 किलोग्राम, ठीक है, मास गिवन है उसका इंसेक्ट का, ये मास आ गया और ये रेडियस गिवन था उसी इंसेक्ट का, सपोर्टेड बाय इक्वली बाय इट्स 6 लेग्स, और उसकी 6 टांगें जहाँ पर उसका वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एस्टिमेट द एंगल फॉर एन इंसेक्ट, तो उस इंसेक्ट के लिए एंगल कितना होगा एस्टिमेट करें कि वो बैलेंस कर सके, यानी कि जो उसका वेट है और जो सरफेस टेंशन है वो उसे बैलेंस कर सके, और अज्यूम करें वाटर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर है। ये जो अज्यूम करा रहे हैं ना कि वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पर है, अगर ये सवाल पेपर में आएगा ना तो आपको 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो सरफेस टेंशन भी वाटर की गिवन होगी, जो कि मैं अभी जो है वो डेटा के अंदर आपको लिखवा दूंगा, लेकिन बाकी का डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले हमें उसकी लेग का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ लेग, ठीक है, इसको आर से शो कर देंगे, ये है 2.1 × 10⁻⁵ मीटर, ठीक है, और मास दिया हुआ है उस इंसेक्ट का, उस इंसेक्ट का जो मास है एम से शो कर देते हैं, ये बराबर है 3.2 × 10⁻⁶ किलोग्राम के बराबर, ठीक है, और 6 टांगें हैं उस पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हमें एंगल मालूम करना है जो उसके पैरों का बनेगा, और उसी एंगल को हम शो कर देंगे थीटा से। अब एक चीज़ जो मैं कह रहा हूँ जो कि गिविन होगी होगी वो है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो है वो एक्चुअली टी से शो करते हैं उसको, और वो कितनी है, वो बराबर है हमारे पास इन केस ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस 0.072 है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। ये मैंने देखा है बुक के पेज नंबर 133 से, ये वैल्यू आप वहाँ से देख सकते हैं, पेज नंबर 133, ठीक है। याद वाद नहीं करना, याद करने की कोई टेंशन नहीं लो, क्योंकि पेपर में तो गिवन ही होगी है, ठीक है जी। अब वैसे तो फिगर ये बनी हुई है, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मैं समझाऊंगा तो फिर बात जो है वो क्लियर हो जाएगी, और थोड़ी सी डिफरेंट फिगर से समझाऊंगा उससे ज़्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा देख लो कि मिसाल के तौर पे ये आ गई हमारे पास सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये सरफेस ऑफ लिक्विड है, और इसी के ऊपर जो उसका पैर है, जो इंसेक्ट का पैर है, वो एक्चुअली एक स्फीयर की तरह से काम करता है, और उस स्फीयर की ख़ास बात यह है कि उसका रेडियस आर के बराबर है, चाहो तो इस तरफ से देख लो या इस तरफ से देख लो। अब ये जो सरफेस टेंशन है ये नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट करती है ना, यानी कि 90 डिग्री पे एक्ट करती है, तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन एक्ट कर रही होगी वो इसके इस तरीके से नॉर्मल एक्ट करेगी, चाहो तो इस तरफ से देख लो या इस तरफ से देख लो। ये जो अप्लाई हो रही है ना, बेसिकली ये एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि आपको इस तरफ नज़र आएगी, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर वर्टिकल के साथ उसका कोई एंगल बन सकता है तो हम ये देखेंगे कि वर्टिकल के साथ उसका एक पर्टिकुलर एंगल बनेगा, और उसी एंगल को हम थीटा से शो कर रहे हैं, और यही थीटा जो है ना बेसिकली हमें मालूम करना है कि जो इंसेक्ट की लेग है वो कितना एंगल बनाएगी। अच्छा जी, और क्योंकि जो इंसेक्ट है उसका वज़न यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा, तो आप ये बात याद रखिए जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और अभी हमारी जो फोर्स होगी, जो मेन फोर्स है, वो इस वेट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करनी चाहिए। लेट्स से जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इस तरीके से एक्ट कर रही है, ये तो बराबर आ गई फोर्स के। अब उसी फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना, दो कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करेंगे, तो एक कंपोनेंट तो यही आ गया जो कि इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है वो उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। दो कंपोनेंट के अंदर मैंने रिजॉल्व कर लिया, एक यहाँ से लेके यहाँ तक का कंपोनेंट, एक यहाँ से लेके यहाँ तक का कंपोनेंट, और मैंने एक पहचान बताई है, कन्वेंशन है कि जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसको आप वाई कंपोनेंट कह दो, और जो साइड बच जाए उसको आप एक्स कंपोनेंट कह दो। ये वाली जो साइड है ये क्या हो जाएगी, एक्स कंपोनेंट, यानी कुछ ऐसे बना हुआ है। ये बराबर है टी एक्स के, ठीक है, और ये बराबर सॉरी एफ एक्स के, और ये बराबर है एफ वाई के, ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई, और ये जो है वो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है और एंगल बन रहा है थीटा के बराबर। यही वाला ट्राइंगल मैंने इधर दोबारा से बना के आपको दिखा दिया। इससे फ़ायदा ये होता है मेरी वाली कन्वेंशन से, थीटा के सामने वाली साइड को हमेशा वाई बोलो, और वाई के साथ हमेशा इस्तेमाल होता है साइन थीटा।
इसी तरीके से जो x है इसके साथ हमेशा इस्तेमाल हो जाएगा cos थीटा। तो अब आपको नज़र आ रहा है जो टी एफ एक्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, और जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में इन दिस केस कौन किसे बैलेंस करेगा? याद रखिए जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो एक्चुअली बैलेंस कर रहा होगा वेट को, और अगर हम एक लेग की बात करें तो ये जो फोर्स है वो वेट का डिवाइड बाय 6 के बराबर होगी, क्योंकि जो उसका सारा का सारा वज़न है वो 6 हिस्सों में डिवाइड होगा ना, तो एक पैर की जो फोर्स है वो वेट के 1/6 के बराबर होगी, यानी कि वेट को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, ठीक है जी। अच्छा जी, वेट तो आपको पता है बराबर होता है एम जी के, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। एक्स कंपोनेंट के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं एफ कॉस थीटा, तो इधर रुक जाते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब बात क्या है, अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, अगर हम सरफेस टेंशन की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बराबर होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ के, और वो भी परपेंडिकुलर जो एक्ट करती है, जब भी उसका यूनिट जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब एफ़ की वैल्यू को अलग करो यहाँ से, एफ़ बराबर हो जाएगा टी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा एल। अब अगर इस वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट करें तो वैल्यू क्या बनी, एफ़ की जगह पर आ गया टी यानी कि सरफेस टेंशन एल, और साथ में आ गया कॉस थीटा, और इधर लिखा हुआ है एम जी डिवाइड बाई 6 के। अच्छा जी, अब ये एल क्या है, एल ये पूरी लेंथ है, ठीक है, लेंथ, और एल को हम क्या कहते हैं, एल को हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं, क्योंकि सर्किल की बात हो रही है ना, तो एल इज़ द टोटल लेंथ कह लो, जो उसके पैर की लेंथ है, लेंथ ऑफ लेग, और एक्चुअली आप इसको ज्योमेट्री के अंदर आप इसको सरकमफेरेंस भी कह सकते हैं, कि सर्किल का जो पूरा रास्ता होता है उसको सरकमफेरेंस कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टी होगा वो बराबर होगा 2πr के, सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है। तो अब जो हमारे पास फार्मूला बन गया वो बन गया, टी अपनी जगह पर है, एल की जगह पर आ गया 2πr, इधर लिखा हुआ है कॉस थीटा, और ये लिखा हुआ है एम जी डिवाइड बाई 6। अब जितनी वैल्यूज़ हैं वो हमें मालूम है, उनको पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस थीटा को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा एम जी डिवाइड बाय, हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, आर आ जाएगा और टी आ जाएगा, ठीक है जी, और डिवाइड में ऑलरेडी 6 लिखा हुआ है तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा, ये 2 इधर आके जब डिवाइड होगा तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा। वैल्यूज पुट करूँ, मास कितना था, मास है बराबर 3.2 × −6 के, 3.2 × −6 के बराबर है, ठीक है जी, और वैल्यू ऑफ जी 9.8 डिवाइडेड बाय 12 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है, रेडियस है बराबर 2.1 × −5, 2.1 × −5, और ठीक है ये भी हो गया, और साथ में आ जाएगी हमारे पास सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन 0.072 है, 0.072, ठीक है, इसको पूरी वैल्यूज़ को पुट करते हैं कैलकुलेटर में, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 0.550 के बराबर, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए थीटा की, तो हमें कॉस इन्वर्स लेना होगा, कॉस इन्वर्स 0.550, तो थीटा बराबर आ जाएगा, इसी का कॉस इन्वर्स लेते हैं, शिफ्ट कॉस, तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा 0.550, ये आ जाएगा 56.6 डिग्रीज़ के, इसका मतलब जो एंगल बनेगा उस इंसेक्ट की टांग से वो तकरीबन 56 के बराबर आएगा। लास्ट क्वेश्चन, वर्क एग्जांपल 6.6। अच्छा, ये सवाल बेसिकली होना चाहिए चैप्टर नंबर 7 में, क्योंकि टॉपिक भी चैप्टर नंबर 7 का है, लेकिन बहरहाल इन्होंने 6 में दिया हुआ था, तो मैं इसी चैप्टर के साथ इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। लिखा है वाटर फ्लो कर रहा है थ्रू अ फायर होज ऑफ डायमीटर, डायमीटर गिवन है एक फायर होज का, तो साथ साथ डेटा लिखते हैं, ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा डायमीटर, डायमीटर को शो कर देते हैं डी से, और कितना है डायमीटर है 6.5 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 100 कर लो ताकि मीटर में आ जाए, ये हो जाएगा 0.065 मीटर्स के बराबर एट अ स्पीड ऑफ, और वो जो स्पीड है वहाँ से वाटर की वो है बराबर 5.99, तकरीबन 6 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो एक्चुअली हमें क्या मालूम करना है, मालूम करना है फ्लो रेट, और फ्लो रेट को हम शो करते हैं क्यू से। अब अगर आप डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे फ्लो रेट की,
जो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर भी आती है. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्लो रेट, फ्लो रेट बराबर होगा ए इंटू वी के, एरिया को मल्टीप्लाई करना है वी से. अब प्रॉब्लम ये है कि हमें एरिया नहीं पता, तो पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा एक पाइप का. पाइप का एरिया बराबर होता है पाई डी स्क्वायर ओवर फोर के. अगर डायमीटर गिवन हो तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप डायमीटर का आधा करके रेडियस निकाल लोगे तो फिर डायरेक्ट फार्मूला एरिया का पाई आर स्क्वायर भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, कहते हैं पता नहीं कब पाई आर कब डी इस्तेमाल करना है. तो भाई अगर डायमीटर से निकाल रहे हो तो इससे निकाल लो, रेडियस से निकाल रहे हो तो इससे फाइंड कर लो. अच्छा जी, तो पाई हो गया 3.14, डी का स्क्वायर यानी कि 0.065 का करेंगे स्क्वायर और डिवाइड करा देंगे 4 से, तो एरिया आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.065 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4. ये बराबर आ गया हमारे पास 0.0033 मीटर स्क्वायर के बराबर. अब अगर हमें एरिया मिल गया है तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर देते हैं. Q बराबर आ जाएगा एरिया 0.0033 इंटू वेलोसिटी कितनी है 5.99, 0.0033 मल्टीप्लाई बाय 5.99. ये आंसर आ गया हमारे पास Q का 0.019, ठीक है 7 मिली दो चाहो तो. और ये हो गया किसमें, SI यूनिट क्या बनेगा, SI यूनिट बनेगा मीटर क्यूब पर सेकेंड. अब आंसर तो सही है मीटर क्यूब पर सेकेंड, बट क्वेश्चन के अंदर मेंशन ये है कि आंसर हमें लीटर पर मिनट में देना है. ठीक है, तो सबसे पहले मीटर क्यूब और लीटर का रिलेशन देख लो. एक मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर्स, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा. और आपको पता है हर मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकेंड, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक मिनट वाले के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसका मतलब Q की वैल्यू जो है वो बराबर आएगी 0.0197 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड मल्टीप्लाई बाय 60. तो जो फ्लो रेट आएगा वो लीटर पर मिनट में आएगा 0.0197 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड मल्टीप्लाई बाय 60. तो ये आंसर आएगा हमारे पास 1182 लीटर्स पर मिनट. क्वेश्चन यही था कि कितना फ्लो रेट होगा लीटर पर मिनट में, तो तकरीबन ये बराबर आ जाएगा 1182 लीटर्स पर मिनट के बराबर. और बुक में क्योंकि 1192 है तो भाई ये कोई इतना कोई इशू नहीं है. ये बात ये कि हम जो वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेसिमल की कितनी वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं उससे डिफरेंस आता रहता है. ठीक है जी, तो ये थी वर्ड एग्जाम्पल जिनका ताल्लुक चैप्टर नंबर 6 से था. आई होप आपको समझ में आ गई होंगी. कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करेंगे. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.